स्टूडेंट्स वेलकम टू एस पी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम बच्चे अब हम लोग असाइनमेंट के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कंटेन बीटा सी वन सी फोर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज सी वन सी फोर तो सीवन सी फोर जो है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज लेक्टोज में होता है जो हमारा लेक्टोज है ये आंसर होगा क्योंकि जो लेक्टोज है इसके हाइड्रोलाइसिस से बीटा डी गलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज बनता है तो गैलेक्टोज का सी वन कार्बन ग्लूकोज के सी वन कार्बन सी फोर कार्बन के साथ आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाते हैं इसीलिए इलेक्टोज में सी वन सी फोर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा और जो गैलेक्टोज और ग्लूकोज दोनों है ये बीटा फॉर्म में होता है इसीलिए इसे बीटा सी वन सी फोर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलेंगे और ये हमें इलेक्टोज में प्रेजेंट होता है बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज के बीच सेकेंड है हाइड्रोलाइसिस है, ऑफ सुक्रोज गिव तो सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस से ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है सब में वही दिया है और ग्लूकोज होता है अल्फ़ा डी और फ्रक्टोज होता है बीटा डी तो सब में यही ऑप्शन दिया है अब बच्चे जो अल्फ़ा डी ग्लूकोज होता है ये रोटेटरी होता है तो जो और फ्रक्टोज जो है रोटेटरी होता है डेक्स्ट्रो को हम लोग पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं तो ग्लूकोज में देखो निगेटिव है नहीं होगा पॉजिटिव हो सकता है निगेटिव नहीं होगा ग्लूकोज पॉजिटिव होगा और बीटा डी फ्रक्टोज जो है ये लेबोरेटेटरी होगा लेबो का मतलब है फ्रैक्टोज जो है लेबोरेटरी और लेबो का मतलब है निगेटिव साइंस इसे रिप्रेजेंट करेंगे तो निगेटिव वाला देखो किस में किस में है ये हो सकता है ये पॉजिटिव है नहीं होगा ये नहीं होगा तो ये तो बच्चे हमारा ऑप्शन यहाँ से डी आ गया क्योंकि ये निगेटिव है दोनों नेगेटिव नहीं होगा ग्लूकोज पॉजिटिव फ्रेक्टोज नेगेटिव डी ऑप्शन करेक्ट होगा अब थर्ड पार्ट है हमारे क्वेश्चन का थर्ड पार्ट में बोला गया है कंपाउंड ए गिव्स डी गैलेक्टोज क्या बनना है हमारे पास डी गैलेक्टोज एंड डी ग्लूकोज मतलब ये पक्का लेक्टोज होगा लेक्टोज के हाइड्रोलाइसिस से क्या बनता है बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज ऑन हाइड्रोलाइसिस द कंपाउंड ए इज लेक्टोज सेम ऊपर जो हमने डिस्कस किया था वही है क्वेश्चन नंबर फोर है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स दो स्टेटमेंट हमें गिवन है वन इज़ एज एसरसन ए एंड अदर इज लेवल्ड एज रीजन आर तो एसर्सन है सुक्रोज इज़ ए डाइसेक्राइड एंड ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर एकदम सही है सुक्रोज डाइसेक्राइड है क्योंकि इसके हाइड्रोलाइसिस से ग्लूकोज और फ्रैक्टोज बनता है और ग्लूकोज और फ्रैक्टोज का सीवन सीट ग्लूकोज का वन और फ्रैक्टोज का टू कार्बन आपस में जुड़े हुए होते हैं इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्योंकि कोई एल और कीटोनिक ग्रुप फ्री नहीं होता है इसीलिए टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सोल्यूशन को ये रिड्यूस नहीं करेगा ठीक है सेकेंड है आर रीजन में सुक्रोज इन्वॉल्व्स ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन सीवन ऑन सी वन ऑफ बीटा डी ग्लूकोज यही गलत हो गया सीवन ऑफ अल्फ़ा डी ग्लूकोज एंड सी टू ऑफ अल्फ़ा डी फ्रैक्टोज बीटा ग्लूकोज नहीं होता है अल्फ़ा ग्लूकोज और फ्रैक्टोज भी अल्फ़ा होता है इसीलिए हमारा रीजन इनकरेक्ट है तो असरसन करेक्ट ए एंड आर ट्रू गलत है ए फॉल्स नहीं है ए ट्रू आर फॉल्स सी पार्ट इसका करेक्ट होगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव लेते हैं हम लोग आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम दी फॉलोइंग इसमें से हमें इनकरेक्ट बताना है एमाइलोज इज़ ए ब्रांच चेन पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज एकदम इनकरेक्ट है बच्चे एमाइलोज बच्च, जो है हमारा ब्रांच चेन पॉलीमर नहीं होता है जो एमाइलोपेक्टीन है वो ब्रांच चेन पॉलीमर होता है एमाइलोज जो है अल्फ़ा वन फोर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से सारे अल्फ़ा डी ग्लूकोज जुड़े हुए होते हैं वन फोर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो लेकिन जो एमाइलोपेक्टीन है उसमें वन फोर के साथ साथ वन सिक्स भी, भी होता है इसलिए एमाइलोपेक्टीन जो है ये ब्रांच चेन होगा एमाइलोज जो है लीनियर चैन हो, होगा दोनों जो है स्टार्च का ही पार्ट है स्टार्च में दो पार्ट होता है एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टीन ठीक है तो एमाइलोज इज चीज़ें ब्रांच एंड पॉलीमर गलत है इसलिए आंसर हमारा होगा क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना था स्टार्च इज चीज़ें पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एकदम सही पार्ट है सही बात है जो स्टार्च है एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन दोनों अल्फा डी ग्लूकोज से बना होता है बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मैक्स सेल्युलर सेल्युलोज पॉलीमर सेल्यूलोज में बीटा डी ग्लूकोज होते एकदम सही बात है तो बीटा डी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलेंगे ग्लाइकोजन इज कॉल्ड एनिमल स्टार्च सही है क्योंकि एनिमल में ही जो ग्लाइकोजन है इसका मेजर सोर्स एनिमल ही होता है